हमें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है। हाँ, तुम्हारी सेहत तो बहुत कमजोर हो जाएगी। वैसे एक बात तो है भाई, जहाँ पे खाना मतलब बनाने के लिए रुको, वहाँ पे मतलब जगह मिल जाए ना अच्छी खासी, तो मजा सा आ जाता है। ले पानी है, पानी की जरूरत थी बहुत देर से, ताकि हमारा जो खाना बनाया था। ये है गर्म पानी यहाँ का, तब तो कोनी से बोलते हैं, बहुत ही गर्म पानी है यहाँ पे। पानी ज्यादा गिरेगा। मैंने ये स्टूल लिया था इसके बैठने के लिए, खाना बनाने के लिए, और स्टूल काम क्या रहा है ये, जब से आया स्टूल तब से वाटर कूलर ही रख रहा है इसके ऊपर, और व्यू भी अच्छा है पीछे। हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई। ये भाई गांजे के रेशे से बने हुए हैं। Hey guys, good morning. It's 5:30 in the morning. We are awake right now. We are in Gairsaind, the summer capital of Uttarakhand. ये देखिए कौन खड़ा बाहर, इन्हें भी उठाया गया है, ये घोड़े बेच के सोए हैं रात भर। यहाँ पे मैंने अपना टेंट तो कर लिया है, रैप अप। सुबह के बज गए हैं 5:55, रोडवेज तो सुबह ही निकल गई 5 बजे यहाँ से। सॉलिड गाइस, गाड़ी उड़ी पैक हो गई है, सामान वामान सब डाल दिया है हम लोगों ने, अब निकलने की कर रहे हैं यहाँ से तैयारी। कहाँ से हैं बाबा जी आप? बरेली से। नाम क्या हुआ आपका? शुभ शुक्लाल। बाबा जी हमारे उधर के ही हैं, हम रामपुर जिले के हैं और बाबा जी हैं बरेली जिले के। आप तो ब्रश हो रहे हैं, लास्ट टाइम कब करा था याद है तुझे? इन्हीं दिनों में करा था। अरे मतलब जन्म दिन है, फिर दांत मांजने का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सॉलिड गाइस, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी टाइम हो रहा है 6:25 इन द मॉर्निंग। हम लोग जो है यहाँ से पहले पहुंचेंगे अपन कर्णप्रयाग, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 60 किलोमीटर है, और सभी लोगों ने पेश वगैरह किया है। एक आदमी ने दवाई दो बार कर लिया भाई आज, अभी अनिश्चित काल तक करते रहेंगे। हम सोच रहे थे यार कि 7 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन 7 से पहले हम लोग निकल चुके हैं। गाइस चलते चलते हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहाँ पे नहाने का तो मन कर रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे सेफ्टी कुछ नहीं है, तो नहाएंगे हम लोग यहाँ पे नहीं। ये है सामने कुछ जगह पड़ी है, गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं समय आदि बद्री, और आपने अभी पिछली फोटोज में देखा होगा कितना खतरनाक जो है वाटरफॉल गिरा था नीचे, तो वहां पे हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी साफ कर ली अपनी। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं आदि बद्री, जो कि है भविष्य बद्री, आपको दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। यह है आदि बद्री मंदिर, तो इस मंदिर के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये देखो सामने, और जो मेन मंदिर है विष्णु जी का वो है सामने। गाइस सामने मेन मंदिर विष्णु जी का, जो लोग यहाँ पे ना वापसी में आते हैं ना बद्रीनाथ वगैरह से, सीधे यहाँ हल्द्वानी निकलते हैं, नैनीताल निकलते हैं, तो वो लोग यहाँ पे दर्शन करते हुए निकलते हैं। फाइनली पहुंच गए हम लोग कर्णप्रयाग। यार यहाँ तक पहुंचने के लिए भाई साहब कितने धक्के खाने पड़े हमें, कितने गड्ढों में गाड़ी चलानी पड़ी है हमें पता है। फिलहाल ये बनवे है। संगम किधर है यहाँ का, दिख जाएगा वहाँ से? अच्छा ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पे संगम कह रहे हैं आगे दिख जाएगा। सो फाइनल गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। यहाँ बहुत ही प्यारा संगम होता है पिंडन नदी का और अलकनंदा नदी का, तो आपको दिखाते हैं। पीछे है मेरे संगम। ये आ रही है अपनी पिंडन नदी जो आ रही है बागेश्वर से, वो आ रही है अलकनंदा नदी जो आ रही है बद्रीनाथ धाम से। आगे से मुड़ के आएंगे टर्न लेके, और इस वाले पुल से सीधे जाएंगे बद्रीनाथ के रूट पे। संगम देख लिया है, निकलते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं कहीं रुकते हैं, चाय वाय बनाते हैं अपनी। यार गेट हो गया अपने आप ही बंद, क्योंकि ढाल पे गाड़ी खड़ी है ना हमारी, और हमारी गाड़ी जो टोटल आ गई है चल के अब तक 311 किलोमीटर। ये है कर्णप्रयाग का संगम, पिंडन नदी और अलकनंदा नदी मिल रही है, और आगे जिस धारा में जा रही है वो अलकनंदा ही है। जा रही बोला जा रहा है, डंडी लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, तो हम लोग ना एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जिसका नाम है बकुंडा। यहाँ पे ना एक गधेरे से पानी आ रहा था, साफ सुथरा पानी आ रहा है, पीने लायक लग रहा है, हम लोग वहाँ से पानी वानी भर रहे हैं। उतने रास्ते में रुक के चाय पास्ता, पानी तो भर जाए पास्ता, या फिर मतलब मैक्रोनी वगैरह कुछ ना कुछ बनाएंगे जरूर अभी। तो हनी जो है पानी भरने के लिए जा रखा है उधर, वो गया हुआ है। तो हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रोकी है, यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं खाना वाना बनाने का, सुबह का नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। सब लोगों की आते पीते खिचड़ी है, मॉर्निंग के बज गए हैं समय 9:68, 68 चला दी सुबह से गाड़ी। अब ये क्या चीज है भाई, ये किसने अपना पंप यहाँ पे खोला हुआ है? किसी जमाने में यहाँ पेट्रोल पंप हुआ होगा है ना, तभी यहाँ पे मशीन रह गई खाली, और रोड बना दी यहाँ पे सरकार ने।
तो फिलहाल हम लोग तो यहाँ रुक गए हैं और अब बनाएंगे अपना खाना। ये जगह वैसे बढ़िया है, हम लोग चाह रहे थे कि धूप भी ना हो, छाया भी हो, आनंद भी आए, थोड़ा लेटी वेटी भी, चटाई वगैरह भी छा लें। अब आधा घंटा या एक घंटा यहाँ पे बिताएंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे श्री बद्रीनाथ धाम। जगह बढ़िया वैसे, वहां जाने का रास्ता ना जो है वो यहाँ से है, ये तो नीचे को जा रहा रास्ता कहीं, ये भी है भाई यहाँ से भी है, ये है जगह बढ़िया है। झाड़ू मारूंगे यहाँ पे, फोन ना आ रहे हैं तुम्हारे सुबह से, कौन सी जगह पड़े हैं इसलिए नहीं आ रहा है। वैसे एक बात तो है भाई, जहाँ पे खाना मतलब बनाने के लिए रुको, वहाँ पे मतलब जगह मिल जाए ना अच्छी खासी, तो मजा सा आ जाता है एकदम से। जैसे हम लोग यहाँ रुके हैं ना, हम सोचते थे कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे व्यू वगैरह अच्छा हो, हालांकि दो तीन पेड़ हैं जो व्यू को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन मजा सा आ रहा है भाई। कुर्सी वर्सी बिछा रखी है अपनी, डाल रखी है, कुकर में मैक्रोनी उबल रही है भाई। ये मैक्रोनी के लिए कह रहा था, ये बोल रहा था भाई कि कुछ भी बना लो, और ये कह रही थी मैं कुछ भी बना दूंगी। मैंने भी कहा भाई कुछ भी बना लो, कुछ भी के चक्कर में मैक्रोनी बन गई। सुबह के बज रहे हैं 9:30। ऐसे यार रोड ट्रिप पे आओ मजा सा आ जाता है भाई साहब, है ना, खाना वाना बनाओ रास्ते में रुको। हम लोग हालांकि प्रेफर कर सकते हैं होटल में रुक के खाना पीना, लेकिन उसमें ना यार भैया ना हाइजीन थोड़ा सा लेके चलते हैं ना हम लोग। बाहर का खाना खाओ, आजकल देख रहे हो सोशल मीडिया पे कितनी रील्स वगैरह वायरल हो रही है, कोई थूक लगा के रोटियां दे रहा है, कोई मैगी में कुछ डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई साहब तो भरोसा सा यार उठ गया है होटल पे से। जब से हम लोग ट्रिप पे निकले हैं हमने ये सामान वगैरह खरीदा है कैंपिंग वगैरह कुकिंग वगैरह का, तो मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं कि अपने हाथ से बनाएं, और अगर समय सीमा होती है कम तो हम एक बार को सोचते हैं कि चलो बाहर खा लेते हैं होटल वगैरह में, नहीं तो भाई साहब भूखे रहना पसंद है, खाना पसंद नहीं है ऐसी जगह पे जो बिल्कुल नॉन हाइजीनिक हो। ये इनको सुबह 4 बजे उठते ही या 5 बजे जब भी ये उठते हैं तो इन्हें खाना चाहिए होता है, चावल बने हो तो चावल ठूसने हैं, पराठे बने हो तो पराठे ठूसने हैं, तो ये ऐसे बंदे हैं जो सीधे लंच करते हैं मॉर्निंग में उठ के, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सीधे लंच करते हैं ये। तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है 9:30 बज गए तो ये भूखे कैसे रह रहे हैं सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं। भैया जी फ्रूटी को खा ली थी हमने, नमक मिर्च टोमेटो और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं कह रहा शिमला मिर्च ले लो, इसमें पड़ा अच्छा आता, मजा स्वाद आया था, कुकर में बनाई है तो उबली हुई सी लग रही है। चलो कोई नहीं, बताओ मैंने ये स्टूल लिया था इसके बैठने के लिए, खाना ना बनाने के लिए, और स्टूल काम क्या रहा है ये, जब से आया स्टूल तब से वाटर कूलर ही लग रहा है इसके ऊपर, ये वाटर कूलर के लिए आया था स्टूल। बर्तन में जंग नहीं आ रही है भाई, आएगी थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, लैटरिन करके आओगे फिर से। समय हो रहा है 10:30, 1.5 घंटा हम लोगों ने यहाँ बिताया, और ये समझ में नहीं आ रहा मुझे पेट्रोल पंप भाई कौन से जमाने का है, एक ही मशीन लगी है, बस एक ही मशीन होगा। शीशे डाउन कर लेते हैं पहले, गर्मी निकालने दो यार गाड़ी की, है ना। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय, बाय बाय नंदप्रयाग, बाय बाय। अरे ये कौन खड़ा है, लिफ्ट दे दे कैसे। हाँ जी मैम कहाँ जाना है आपको, हेलो। अरे उड़ मत जाना गाड़ी से। हाँ जी मैम कहाँ जाना है आपको, आइए बैठिए, 500 रुपये सवारी है, आगे सड़क संकरी है, कृपया देख कर चलें। समय से पहुँच जाए बद्रीनाथ, 102 किलोमीटर दिखा रहा था ना हनी, कितना कह रहा था 3.5 घंटे 102 किलोमीटर, समझ रहे हो आप रोड कितना खराब मिलेगा हमें, वो आगे थोड़ा रास्ता ऐसा लग रहा सामने जाम लगा हुई है। चलो देखते हैं आगे जैसा होगा देखा जाएगा, सभी के लिए वो हमारे लिए थोड़ी स्पेशल। जी आ गए हम लोग नंदप्रयाग, नंदप्रयाग का जो संगम है वो यहीं पे है, क्योंकि देखो एक नदी आ रही है इधर साइड में कहीं जाके अलग नंदा में मिल जाती है। अरे बेटे क्या वाटरफॉल है भाई, गजब यार भाई साहब। नंदप्रयाग से निकले ही थे और यहाँ पे मिल गया जाम, तो गाइस नंदप्रयाग से जाम से निकले थे हम लोग, फिर हमें मिल गया पेट्रोल पंप, तो हमने सोचा लाओ पेट्रोल भरा ही लेते हैं, क्या ना भर दो यार 2500 कर दो, कह दे 2500 भर दो। गाड़ी चल गई हमारी टोटल कितनी 335 किलोमीटर गाड़ी चल गई है भाई। तो जी देख लो बद्रीनाथ के रोड ऐसे हैं, इस समय कोई अपडेट लेना चाह रहा हो तो आज डेट है 3 अक्टूबर, तो बद्रीनाथ के रोड की हालत ऐसी है। ये है अपना नंदप्रयाग से निकलने के बाद, भाई यहाँ से निकलना जल्दी से जल्दी बेटर है, पहाड़ है। लो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चमोली में, नीचे जो रास्ता आ रहा है ना नीचे से, ये आ रहा सीधे केदारनाथ और टुंगनाथ की तरफ से, हम जाएंगे सीधे ऊपर। हाँ तो अब शायद हमें थोड़ा जाम मिल सकता है आगे, क्योंकि गाड़ियां जो है बहुत आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो जी पानी मिल गया है,
और कोई बोतल भी दे देना है भाई साहब। नो कंकड़ नो पत्थर मल्ले पानी है, पानी की जरूरत थी बहुत देर से, ताकि हमारा जो खाना बनाया था ना हमने, पानी वहाँ खत्म हो गया था, भर दिया है। माना गाँव 93 बद्रीनाथ 89 और दो सौ मीटर 45 साइड हो जा, निकलते हैं आगे। पानी वानी सब भर लिया हम लोगों ने, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। किसी को जरूरत okay. किसी चीज की जरूरत बता देना, कुछ खाना पीना हो, चाय वाय पीनी हो। वैसे हम लोगों ने चाय नहीं पी है, सिर्फ मैक्रोनी बनाई थी और मैक्रोनी खा के हम लोग सीधे निकल चुके हैं नंदप्रयाग से आगे। और यहाँ से बद्रीनाथ दिखा रहा है, ग्रीन वाले बोर्ड पे दिखा रहा है 89 किलोमीटर। ये देखो सामने समय हो रहा है 11:09, पीछे आ रहा है ट्रक। तो जी अब तो आदत सी हो गई है हमें ऐसे ऐसे रोडों पर चलने की, क्योंकि जोशीमठ आने वाला है। अरे रूफटॉप कैंप है, इसके बाद नहीं तुझे। हनी जी आ रहे हैं थोड़ा चिप्स वगैरह का सामान लेके। अरे अरे क्या लाया भाई, असला बारूद, असली बारूद आ गया यार। कितने की दे रहे हो कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक भैया वही है 10 रुपए वाली। सही लगा लो यार, सही लगा लो। चलो आ जाओ यार, ये चीजें खाते नहीं है वैसे ट्रिप पे आते हैं, तुम ले आए भर भर के, अब खानी पड़ेगी मजबूरी में। कम है कोल्ड ड्रिंक वगैरह कह रहा हूँ, चिप्स चलो कोई बात नहीं है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अच्छा इन्हें बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक। ये तो डोरिटोस ले आया तू, ये नहीं खाता हूँ मैं, पूरा टेस्ट बिगाड़ देगा मुंह का। डोरिटोस ले तो दाल दाल से लग रहा है। अरे यहाँ पे गिरे हैं पत्थर, ये तो ये पत्थर गिरे हैं भाई साहब ऊपर से, इस चक्कर में जाम लगा हुआ था। फिलहाल जो अपनी जर्नी है वो रह गई है लगभग लगभग 2-3 घंटे की। देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं, 2 बजे तक हमने टारगेट रखा हुआ है। अभी हो रहे हैं 11:44। 200 अब जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं तो गाड़ी जो है थोड़ा लोड ले रही है, तो मुझे जो है दूसरे और तीसरे गियर में ही गाड़ी चलानी पड़ रही है। जितना ज्यादा ऊपर जाते आ रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और उस वजह से गाड़ी जो है दम तोड़ रही है बीच बीच में। और असली परीक्षा तो भाई जोशीमठ के बाद होगी इसकी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, पेड़ पूड़ ये जितने भी हैं सब दिखने बंद हो जाएंगे। भाई साहब वो देखो यार कितनी मेहनत कर रहे हैं यार, देखना कहाँ चढ़े हुए हैं सिर्फ हम लोगों के लिए, सेफ्टी वॉल बना रहे हैं वहाँ पे। भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं ऊपर, यहाँ पीछे लिया जा रहा है चिप्स का मजा। ओ ज्ञानी जी की हाल, हम लोग आ चुके हैं पागल नाले पे, बरसाती नाले का भय है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। तो ये बद्रीनाथ वाले रूट पे पड़ता है और जोशीमठ से पहले ही है। पागल आता भाई पूरा पागल, बवंडर काटता होगा बवंडर, इसमें बहुत जगह का पानी आता हुआ निकल के गाड़ी बोले। और वाटर क्रॉसिंग भी आ गई भाई। वो दूर जाम लगा हुआ है सामने, हाँ मतलब जाम ही तो है, वो बस खड़ी है ना, दो आनों सामने खड़ी हो गई है, ट्रैवलर आ गई है एक बस आ गई है। तो जी लो पहुंच गए हम टनल में, यहाँ पे ये टनल जो बनी है ये बनी है लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। ये टनल अभी बनाई है उसको मतलब ये नहीं थी, ये पहले थी उधर से रास्ता। सामने वाला वाटरफॉल देखो गाइस कितना तगड़ा भाई, भयानक वाला, लेकिन रुकेंगे ना हम यहाँ, जाते आते में रुक लेंगे। लो जी फाइनली पहुंच गए हम लोग जोशीमठ, और यहाँ से हम लोग लेंगे 1 वे के लिए नीचे वो रास्ता। अरे ताऊ कट्ठे को ले आए गाड़ी यार, बेवकूफी का असली उदाहरण इसी को कहते हैं। देखो 1 वे है उसके बावजूद भी गाड़ियां लेके आ रखी हैं इधर को और जाम लगा रखा है 1 वे में भी। अभी हम ले जाते हैं ना गलत गाड़ी इधर तो पुलिस वाले हमें पहले याद रोकते कि आ जा बेटे 2000 का चालान 1 वे। हाँ बड़े बड़े तगड़ा डाल था। फाइनली हम लोग जो है जयप्रकाश पावर लिमिटेड वाले पुल पे आ गए हैं, यानी कि ये है तपोवन, तो सामने है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। हमने तो भाई गाड़ी बस ऐसी रोक ली चाय वाय पीने के लिए, साथ में एप्पल भी खा रहे हैं। तो देखा हमने पीछे भाई बड़ा अच्छा वाटरफॉल है यार, आपको भी दिखाते हैं। तो ये नेचुरल वाटर नहीं है, ये जोशीमठ का गंदा पानी आ रहा है। तो
तो यहाँ पे आ गई है चाय अपनी गर्मा गर्म, साथ में आ गए हैं ब्रेड पकौड़े। और ये बाहर का खाना जो है ये हनी और दीपक ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा, हम तो मोटिव नहीं रखते हैं बाहर खाने का, लेकिन ये ज्यादा खा रहे हैं दीपक और हनी। ओए, मानोगे नहीं तुम दोनों, हमें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है। हाँ, तुम्हारी सेहत तो बहुत कमजोर हो जाएगी। जैसे हनी की आंखें गड्ढे में गई भैया, दो तीन खाने खाया नहीं घर का। खा लो, सही है। अच्छा इधर दिखाना, अपने हाथ में दिखाओ, अपने हाथ में। तो गाइस ये देखें रील बनवाने का खुमार, हनी जी गाड़ी लेके चले गए हैं, यहाँ गाड़ी खरीदी और यहाँ से गाड़ी लेके चले गए वो देखो दूर, और हनी बना रहे हैं वीडियो, सॉरी दीपक बना रहे हैं वीडियो। चले, अब काफी समय हो गया, आधा घंटा ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड कर लिया, चाय वाय पी ली, लेकिन चाय 20 रुपए की है और पाउडर वाले दूध की, मजा नहीं आ रहा भाई साहब। ब्रेड पकौड़े तो हनी ने फालतू में ले लिए जो कि बिल्कुल ही बेकार लगे। तो दीपक ने लिए, सॉरी गाइस हनी ने नहीं, इसने लिए, दीपक ने इसने लिए, इसने ब्रेड पकौड़े। पेल तो मैंने लिया थोड़ा सा, लेकिन तूने कहा तो तू जिद कर रहा था इतनी, तो मैंने लाया तेरा मन रखने के लिए ले लूं थोड़ा सा। 1:58 यानी कि 2 बज गए ऑलमोस्ट, और हम लोग अभी भी बद्रीनाथ नहीं पहुंचे। हमारा टारगेट था 2 बजे तक लगाने का गाड़ी, लेकिन यार जाम ही इतना मिल रहा है। यहाँ से बद्रीनाथ रह गया 35 किलोमीटर, लगभग 2 घंटे या फिर 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा हमें। और ये क्या चक्कर भाई, ये क्या चीज है भाई, चक्कर सा बना हुआ, ये क्या चीज है, ये चक्कर सा, ये पहिया था किसका पहिया, ये ट्रैक्टर का क्या है, जेपी पावर का है। अच्छा जेपी पावर का लोगो है ये। अरे ठुक गया, ये ठुक के ला रहा गाड़ी, वो पीछे जा रहा है। दीपर रोड गई, दीपर रोड गई, एक ही जैसी रोड थी ये भी गई। तो गाइस बीच बीच में ना ऐसे जाम हमें बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि रोड ना ब्लॉक हो रखी है, आधी रोड बिल्कुल बह चुकी है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, सिंगल वे बन गया है। अच्छा वो वाला, हवा चलिए, हवा बाहर ये रूट की स्थिति है लामबगड़ में। हम लोग पहुंच गए लामबगड़ जो कि है अपना गोविंद घाट से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे एक काम मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि 3-4 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा है। मैं 2 बार आया था, पिछली बार 2020 और 2022 में, तब भी ये काम ऐसे चल रहा था, आज भी काम वही चल रहा है, सेम टू सेम स्थिति पहले जैसी ही लग रही है मुझे। तो आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, वो देखो सामने वो देखो गजब दिख रहा है, छोटा निन्ना सा दिख रहा होगा, पिन्ना सा वो चढ़ रहा ऊपर देखो। ओहो क्या प्रैक्टिस है भाई को, जा कहाँ रहा है यार ये, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रही। अरे पाइप भी जा रहा साथ में खींच के, अरे पत्थर भी गिरा तो जा रहा साथ में, देखो देख देख। अच्छा जाल खींच, अरे एक तरफ से वो चढ़ रहा है, उतर तो जाल खींच रहा है, ऐसे कुछ है ना सीन। और देखते हैं कितना तगड़ा जाम है आगे, तो भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक वाला जाम लगा हुआ है, और ठंडी लग रही है भाई गाड़ी से उतरने के बाद, खतरनाक वाली। वो सामने बंदा जारी लगा रहा है, शायद उसी वजह से गाड़ियां रुकी हुई हैं। थोड़ी देर बाहर घूम ले, अच्छा लग रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है, ठंड भी लग रही है यार बहुत। मत कर माया का अभिमान, हमें ऐसे करके जाना है, जिग-जैग करके ऊपर जाना है। वो ट्रैवलर खड़ी है ना, वो भी पूरा देखो एकदम ऐसा स्टीप है बिल्कुल, और जाम भी देखो वहां तो लगा हुआ, वो सामने मेरे ट्रैवलर दिख रही है ऊपर। 2 बजे के बाद भाई साहब पहाड़ों में ना जहाँ पे बर्फ लगी होती है ना, वहाँ मौसम खराब होने लग जाता है, तो ऊपर देखो बादल भी आ गए हैं, तो शायद से बारिश कर दे शाम को। लेकिन अपन को टेंशन नहीं है, अपने पास टेंट वगैरह तिरपाल वगैरह सब कुछ है, तो अपन पूरे सेट है। हाँ जी, थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि गर्मी लग रही है, अब क्या हाल है, ठंड लग रही है, कर रही वाली है? तो नहीं अभी, लेकिन हाँ हो जाएगी 10-15 मिनट। गर्मी लग रही है, कौन कह रहा था? अभी इस गैप को देखो, देखो बड़ा कर देते हैं इस गैप को जादू से। आओ भैया बाहर को, आओ आ जाओ, देखो थोड़ा उठा दीपक, दोनों उठ गए, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ गया, गैप ज्यादा बढ़ गया। वो आ रही है गाड़ियाँ, आने लगी गाड़ियाँ। चलो भाई नंबर आ गया हमारा भी, देखो हमारा टारगेट था बद्रीनाथ पहुंचने का 2 बजे, 3 बज गए हैं, पहुंच जाएंगे 3:30, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि यार जाम तो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, ये कोई एक्सपेक्ट थोड़ी ना करते हैं कि ये मिलेगा हमें। तो गाइस हनुमान चट्टी हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ पे भाई दर्शन करना एक तरीके से जरूरी होता है, तो हम दर्शन कर लेंगे बाहर से ही, क्योंकि नहाए धोए हैं नहीं, तो यार मंदिर में जा नहीं सकते, अभी बाहर से दर्शन कर लेंगे हनुमान जी के। गाइस मैं तो ये मान के चल रहा था कि भाई मेरी गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, अग्नि परीक्षा लेनी थी हमें इसकी, लेकिन भाई अपनी परीक्षा पास हो गई है, किसी भी मोड़ पे ऐसा नहीं लगा कि हाँ दम तोड़ रही है, पहले दूसरे गियर में चला रहे हैं हम लोग। तो
जी फाइनली पहुंच गए हम लोग बद्रीनाथ धाम। सामने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है माणा गांव। टाइम हो रहा है अभी बद्रीनाथ 3:45। नहा धो के दर्शन करके लगभग समय हो जाएगा लगभग 6, उसके बाद चलेंगे माणा गांव। ठंड बहुत हो रही है भाई, देख रहे हो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप देखना खतरनाक सीन हो रहा है। सामने हनी और दीपक का बैग, इसके अंदर हम लोग जो है अपने सारे गर्म कपड़े लेके जा रहे हैं। कहाँ रह गए थे भैया, कहाँ रह गए थे? घूमने चले गए। अरे देवा, अरे देवा, कहाँ को आ गए हम देवा। बद्रीनाथ की पूरी तस्वीर बदल गई है, जैसे हम लोग पहले आए थे ना उससे बिल्कुल अलग ही हो गया लेवल का यहाँ पे। अरे दीपक, वो मट्टी पड़ी थी वो यहाँ थी, मैं बताऊँ क्या, कैसे बताया मुझे? यार देख, ओए ये चौहान पैलेस के सामने पड़ी थी वो। हाँ जी ठंड लग रही है, चलेंगे पास में और दूर से कीजिए दर्शन। गर्म पानी इतना गर्म होता है ना भाई साहब कि जल जाता है शरीर, लेकिन अगर आप एक बार मतलब उतर जाएंगे ना कुंड में तो आपका बॉडी जो है मतलब उसे अडॉप्ट कर लेगी और फिर आपको जो है ठंड नहीं लगेगी। यह है गर्म पानी यहाँ का, तप्त कुंड से बोलते हैं, बहुत ही गर्म पानी है यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, जाके लोग नहा रहे हैं ना इसीलिए। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलो दर्शन करते हैं पहले, फिर काम करते हैं दूजे। तो फाइनली भगवान जी के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई। साक्षात इतने ऐसा लग रहा था भाई मूर्ति के बिल्कुल बिल्कुल पास में है। जब भी मैं आया ना यहाँ पे तो यहाँ पे से दर्शन होते हैं बाहर से, लेकिन आज मंदिर के अंदर से दर्शन हुए हैं। मजा आ गया भाई, स्वाद ही आ गया। मतलब बद्रीनाथ के समय आना वर्थ इट है भाई। मंदिर के अंदर गए, गर्भगृह में गए, पूरे दर्शन किए भगवान जी के, मजा आ गया भाई। चप्पल वाले सही लग रही है, सही लग रही है। 5:50 हो गए शाम के और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से माणा गांव। यहाँ से है 3 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बोल रहे हैं कि शाम हो गई है, तो आप भीम पुल तक जा पाओगे। सो गाइस माणा पास जाने के लिए सामने वाला रूट है, वहां से जाते हैं माणा पास, जो है 64 किलोमीटर का रास्ता। कार से जा सकते हैं हम, अपनी बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है SDM की, जो कि मिलती है जोशीमठ से। हाँ बेकार लगती है उससे यार। पहुंच गए हैं माणा गांव के गेट पे और अभी बज रहे हैं शाम के 6। मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में हम लोग घूम के आ जाएंगे क्योंकि रात होने वाली है और टेंट वगैरह भी सेटअप करना है जाके। रात हो गई है तो ना ही तो कुछ दिखेगा और ना ही कोई फोटो वोटो खिंचा पाएंगे। सुबह जाएंगे आराम से, अब हम जा रहे हैं वापस टेंट लगाने के लिए। हम लोग अभी आ रखे हैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। कशिश सोच रही है कुछ लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए। कशिश कुछ खरीदोगी? 7:15, क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो मंदिर के लिए? सीढ़ी सीढ़ दिख रहे हैं भाई खड़े हुए लाइन में। यहाँ पर वाली हम लोगों ने लेमन टी, क्योंकि ठंड लग रही है काफी तो सोचा थोड़ी गर्मी चढ़ जाएगी, तो भैया दे रहे हैं 20 रुपए की एक है और हमने 3 बनवा ली है, 2 केदार और 3 बद्री ले लिए हमने यहाँ से। वो ये कह रहे थे किसी को बताना तो 70 बताना, हमने लिए 50 में भैया। वैसे पूरे मार्केट में 80 रुपए मिल रहा था, 70 बोल रहे थे वो, फिर 60 बोले, फिर हमने कहा 50 का दे दो, 2 ले लेंगे, फिर 2 के चक्कर में हमने 5 ले लिए। ये प्रोडक्ट जो ना जिस पे लिखा हुआ है हेम्प वाला, ये भाई गांजे के रेशे से बने हुए हैं। ये जो बैग है ना ये गांजे के रेशे से बना हुआ है। हनी जी ये ले रहे हैं, किसके ले रहे हो अभी तक? अच्छा इन फ्यूचर ले रहे हो, देगा अभी से प्लानिंग। सो गाइस फाइनली हमने अपना टेंट पिच कर लिया है और कहाँ पे किया है मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे BRO का ऑफिस है, उनको भी पूछ लिया हमने तो उन्होंने कहा अंदर मत लगाओ, इस वाले टीन शर्ट में लगा लो। ऊपर टीन शर्ट देख रहे हो आप, वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, तो हमने उनसे पूछा तो वो बोले वहाँ मत लगाओ यार, यहाँ लगा लो तुम, ये है तो तुम्हारे लिए जगह। टाइम हो रहा है रात के समय 9:20, गाड़ी वहाँ खड़ी है सामने हमारी, वो देखो सामने खड़ी है। यहाँ पे कशिश कर रही है तड़के वाली मैगी तैयार अपनी, 9:30 बज गए रात के, तो सोच रहे हैं तड़के वाली मैगी खा लेते। खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, रात लेट हो गया थोड़ा सा, जल्दी होते तो खाना उन्होंने बना के आराम से घूमते, लेकिन इन दोनों की वजह से लेट हो गया, हनी और दीपक की वजह से। तो भाई लोगों रात के बज गए हैं 10:30 और ये लोग जो है सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा था चाय पीने का, तो मैं जो है चाय बना रहा हूँ। तो दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें से 2 कप चाय बनाएंगे मैं और हनी पियेंगे। कशिश मना कर रही है, दीपक उसमें सो गया अंदर। देखो बद्रीपुरी पूरी साइलेंट हो गई है, अब इक्का दुक्का गाड़ी ही आ रही है कभी कभी, क्योंकि रात में लोग सफर नहीं करते ना तो कोई नहीं आ रहा बंदा। एक भी ट्रैवलर आई थी बस, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई है। चाय पी के मैं जा रहा हूँ सोने, मिलूंगा आपसे सुबह को। हम लोग जो है अपना स्लीपिंग बैग खोल रहे हैं आज, क्योंकि अभी तक तो नहीं खोला था, ठंड बहुत है बद्रीनाथ में, तो स्लीपिंग बैग निकालना पड़ेगा, रात को टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना।